बोलिए वेद माता गायत्री की जय। यो यो नः प्रचोदया ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदया। गायत्री की जय। साथियों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है और यह इतना प्रभावशाली क्यों है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का है और इन 24 अक्षरों में 24 प्रकार के देवी देवताओं का वास है, नाम है। साथियों, आइए हम जानते हैं कि इस 24 प्रकार के देवी देवता इस मंत्र में कैसे समाहित हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम ब्रह्मांड है, ब्रह्म का स्वरूप है, स्वयं ब्रह्म है। भू भूलोक है, पृथ्वी लोक है, धरती लोक है। भुवः अंतरिक्ष लोक है और स्वः ये स्वर्ग लोक है। इस प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः को पंचभूत भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है। तत् में गणेश जी विराजमान हैं, स में नरसिंह भगवान हैं, वी में विष्णु महाराज बैठे हैं, तू में शिव जी हैं, व में भगवान श्री कृष्णा जी का नाम है, रे में राधा रानी है, ढी में लक्ष्मी माता है, यम में अग्नि देवता हैं, भा में इंद्र जी हैं, अर्गो में सरस्वती मैया विराजती हैं, दे में देवी दुर्गा हैं, वा में हनुमान जी का नाम है, श्या में धरती माता है, धी सूर्य देवता का नाम है, माँ में श्री रामचंद्र भगवान हैं, ही में श्री सीता मैया का नाम है, धी चंद्र देवता है, यो में यम देवता है, यो में ब्रह्मा है, नह में वरुण देवता है, प्र में नारायण देव हैं, चो में हयग्रीव जी हैं और द में हंस बैठे हुए हैं और यात में तुलसी मैया हैं। इस प्रकार 24 देवी देवता और भगवानों का इस गायत्री महामंत्र में समाहित है, इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। इसे बीज मंत्र भी कहा जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का यह गायत्री मंत्र सार है। साथियों, इस मंत्र को जो भी जपता है, साधना करता है, उसकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंत्र से सिद्धियां भी मिलती हैं। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। वेदों ने
अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया, सबने वांछित फल पाया। इसे सुमिर कर हो प्रसन्न मां, ऐसे क्रिया कलाप करो। इसे सुमिर यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।